देखिए करण, आपको ये फिगर दे रखा है, फिगर आपने वो बना लिया है, OA OB के इक्वल है, ये गिवन मैंने पहले लिख दिया, OA OB के इक्वल है और OP OQ के इक्वल है। ठीक, हमें ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। फिगर कट करके बाहर निकाल ले, उससे ही ज्यादा क्लियर हो पा रहा है। बेटा हमें किस ट्राइंगल में यहाँ पे लगाना है ट्राइंगल? एक तो हमने ये वाला लिया है, कौन सा? OPB। और ये क्यों लिया, हमें कैसे पता चला? क्योंकि OA OP इन सब की बात हो रही है, OP ये रहा है ना यहां से, और दूसरा OA की बात हो रही है, OQ की बात हो रही है, तो कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? OQA। कहां यहां बना लो, OQA। क्लियर, लिखो इन ट्राइंगल OBB एंड ट्राइंगल OQA, इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें यहां पे गिवन में OA OB के इक्वल है, ये OA OB के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, कहां से आया? गिवन। OP किसके इक्वल है? OQ। यहां पे हम मार्क कर देंगे OP और OQ, ये दोनों आपस में इक्वल है, कैसे? गिवन। अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन एंगल आ रहा है, ये ओ और ये वाला ओ, ठीक है? POB, एंगल POB इज इक्वल टू एंगल AOQ, कैसे बच्चों? और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर बच्चों ट्राइंगल्स की नेमिंग करेंगे आराम से। मान लीजिए हमने यहां से लिख दिया पहले वाले ट्राइंगल को OPB, 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 ये हमने अपनी मर्जी से दिखाया। दूसरा आराम से नेमिंग कीजिएगा, OO के इक्वल है, O अगर फर्स्ट पे आ रहा है तो यहां भी O फर्स्ट पे आएगा। बेटा उसके बाद में यहां से हमने एक एंगल और लिया था, ये वाले कॉन्ग्रुएंट करें ना पहले O, एक मिनट यहां से देख लो, कोई बात नहीं। OA नहीं, ओ पी बी लिया है ना, तो हाँ ठीक है, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए, कैसे? साइड एंगल, साइड एस ए एस, एस ए एस रूल से दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल एंगल साइड नहीं है, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी सबको है, हाँ फ्रीडम तो सभी को है, बोलिए। ठीक है, एस एस। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यहां से पी बी क्यू ए सी पी सी टी, बेटा जो इसका पी वी साइड होगी ये वाली, वो क्यू ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक, और बच्चों इसी में ये वाली चीज भी ले लो अभी से, कि अगर ऐसा होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कर तो दिए ही, एंगल ओ ए क्यू, ये वाले एंगल्स भी अभी ले लो, बाद में काम आएंगे। ओ ए क्यू ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, पी कैसे? बाय सी पी सी पी। सीपी सी, सभी को यहां तक क्लियर है? नेमिंग वाला समझ में नहीं आया, समझो ऐसे समझ लो, देखो जैसे हमने ओ तो कॉमन था, मैंने ओ पी बी लिया है, एक तरीके से किसी साइड पर ये ऐसे ही तो पड़ रहा है, लाई कर रहा है, ऐसे इस वाले ट्राइंगल पे देखो तो ये एंगल लाई कर रहा है कि ये लाई कर रहा है? ये कर रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर टाइप ही है। तो जब यहां पे देखो पी कहां लिया है मैंने, बीच में, तो क्यू कहां आएगा? ओ फर्स्ट पोजिशन पे आई है, तो बचा कौन पीछे? ओ ए बचा, ठीक है? ओके, तो यहां से हमारे पास पी वी क्या आ गया, क्यू ए के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिए, लेकिन हमारा काम नहीं बना फिलहाल में जरा सा, हमें क्योंकि चाहिए ये थे पी एक्स और क्यू एक्स, तो बेटा इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में लेना पड़ेगा, कॉन्वर्ट करना पड़ेगा। चलते हैं आगे, एक मिनट बस, इन फिगर्स को हटा दूं यहां से, इनकी अब जरूरत नहीं है। अगे किस ट्राइंगल पे लेंगे? इन ट्राइंगल कुछ भी नाम लिख सकते हैं, एपीएक्स एंड ट्राइंगल BQX, BQX,
ठीक है बेटा, देखें जरा इसमें एंगल ए एक्स पी, एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू एंगल बी एक्स क्यू, बी एक्स क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वी ओ ए। एक ये वाला एंगल पी ए एक्स, एंगल पी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ सॉरी क्यू बी एक्स, एंगल क्यू ये कहां से आया बेटा, ये रहा, ये प्रूफ किया है, ये रहा प्रूव्ड अबव, दो चीजें हो गई। अच्छा और ये हमारे पास एपी बी क्यू के इक्वल होगी, वो कैसे वो समझ लो। देखो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओपी और ओपी, ये दोनों गिवन है। आप एक काम करो, आपने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड मान लो, चेंज तो नहीं कर रहा हूं मैं, इसको थर्ड मान लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओ ए माइनस ओपी और इधर से ओ बी माइनस ओ क्यू, ओ ए में से ओपी गया तो क्या बचा एपी, इधर से पूरी ओ बी में से ओ क्यू गया तो क्या बचा बी क्यू, सही है? यस सर। बेटा ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया और साइड आ गई, तो हम कह सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल, पहला अपनी मर्जी से लिख लो पी एक्स ए, चलो कुछ भी लिख लो ए पी एक्स, ए पी एक्स, ध्यान दे जरा ए किसके बराबर है बी के, तो बी पहले लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ ए पहले लिखा गया, क्यू बीच में आएगा क्योंकि एक्स एक्स के इक्वल है और एक्स लास्ट में, तो एक्स यहाँ पे आएगा बाय किससे एंगल एंगल साइड, हाँ एंगल एंगल साइड, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक्स बाय सीपीसीटी, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स बाय सीपीसीटी, देख लो सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड, और यहां से हमें एक चाहिए पी एक्स हो गया, एक देखो फर्स्ट एंड थर्ड एंड ए एक्स लिया है, तो बेटा फर्स्ट और थर्ड लिया है तो यहां से ली बी और एक्स, कैसे बाय सीपीसीटी, लीजिए बच्चों ये दोनों ही पार्ट आपको प्रूव करने थे, दोनों हो गए, समझ में आया? यस सर। थैंक यू।